नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे कौन सा आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत या मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी, इसी को क्या बोलते हैं, MCT बोलते हैं ना। यहाँ पे क्या हुआ, मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी, या फिर देखो मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी, क्या कहते हैं इसको, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी या अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। क्या कहते हैं, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। किसको कहते हैं, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत को ही कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, आशुबो बेल की थ्योरी, क्या बोलते हैं इसको, आशुबेल की थ्योरी। ये किसने दिया, आशुबेल ने दी, किसने दी, आशुबेल ने दी हमारे, तो इसके नाम से भी डायरेक्ट आती है कि आशुबेल थ्योरी के बारे में या कुछ ऐसा है, जैसे अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम है, वो किसने दिया, सिद्धांत किसने दिया, आशुबेल ने दिया। कौन सी थ्योरी थी इनकी, मॉडर्न कॉग्निटिव सिद्धांत या थ्योरी, मतलब आधुनिक जो संज्ञानात्मक सिद्धांत था वो हमारा किसका था, आशुबेल का था। इसमें कहता है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कंसेप्ट, जो सह प्रत्यय होते हैं, जो प्रिंसिपल मीनिंग सिद्धांत या जो आइडियाज, जो अपने विचार होते हैं, उनको क्या करते हैं, निगमन विधि के तरीके से सीखते हैं, मीनिंग डिटेक्टिव मेथड से सीखा जाता है। किनको, कंसेप्ट को, प्रिंसिपल्स आइडियाज को हम क्या करते हैं, निगमन आत्मक तरीके से सीखते हैं या डिटेक्टिव मेथड से सीखते हैं, मीनिंग जिसके अंदर पहले नियमों को सीखा जाता है फिर उदाहरण की तरफ जाया जाता है। किसके अंदर, ये किसने कहा, आशुबेल ने कहा कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम किसी भी कंसेप्ट को सीखना चाह रहे हैं, कोई हमारे पास प्रिंसिपल है या सिद्धांत है, उसको यदि हमें समझना है तो हम क्या करेंगे, पहले उसके नियम पढ़ेंगे फिर उसके उदाहरण तक जाते हैं। मतलब निगमन विधि पर दबाव दिया, बल दिया किसने, हमारे आशुबेल ने, ठीक है। फिर ये कहता है कि आशुबेल के अकॉर्डिंग है ना, जो लर्निंग होती है, जो अधिगम होता है, वो चार तरह का होता है, मीनिंग लर्निंग के कितने टाइप्स बताए आशुबेल ने, चार, कितने, चार या फोर, ठीक है। तो पहला इनका क्या टाइप था, रोट लर्निंग, मीनिंग रट कर सीखना, रोट मीनिंग रट कर सीखना। उसके बाद उन्होंने सेकेंड कौन सा बताया, मीनिंगफुल लर्निंग, कौन सी, मीनिंगफुल लर्निंग या अर्थपूर्ण अधिगम, कौन सा हमारे पास, अर्थपूर्ण अधिगम या मीनिंगफुल। थर्ड कौन सा था, रिसेप्टिव लर्निंग या अभिग्रहणात्मक अधिगम। फोर्थ टाइप कौन सी दी उन्होंने, डिस्कवरी लर्निंग या अन्वेषण अधिगम। तो देखो रोट लर्निंग या रटकर लर्निंग क्या होती है, कहता है ये ना लर्निंग का कोई ज़्यादा इफेक्टिव टाइप नहीं है, ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, इसमें सिर्फ क्या करते हैं, एक सीखने का तरीका है बस, जैसे छोटे बच्चे होते हैं रट कर सीखते हैं, मीनिंग उनको ये नहीं पता कि ए का ए फोर मतलब क्या है एक्चुअल में, बी का क्या मीनिंग, बस उनको यह पता है कि ए बी सी डी ऐसे याद करना है, उनको कोई मीनिंग जानने का तरीका नहीं है, ना कोई अर्थ होता है उनके पास, सिर्फ वो रट कर सीखते हैं चीज़ों को। जैसे भी उनको पता है एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, ये क्या रट कर वो सीख रहे हैं ना, तो ये क्या एक सीखने का तरीका तो है पर कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, प्रभावशाली नहीं है। तो रोट लर्निंग क्या है हमारे पास, रट कर सीखना, पहली टाइप। दूसरी टाइप उन्होंने बताई मीनिंगफुल अर्थपूर्ण, इस जो ये मीनिंगफुल लर्निंग थी, अर्थपूर्ण अधिगम था, इसी को आशुबेल ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया, क्या दिया, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी, हमारे आशुबेल ने मीनिंगफुल जो लर्निंग थी उसको दी। उसके अंदर क्या होता है कि हम चीज़ों को समझकर सीखते हैं, कॉन्टेक्ट संदर्भ में सीखते हैं, या जो हमने पुराना सीखा हुआ है उसका नए ज्ञान के साथ कॉन्टेक्ट बनाते हैं, तो ये क्या हमारा अर्थपूर्ण अधिगम, जहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग के द्वारा क्या चीज़ों को सीख रहे हैं, वे उसको समझेंगे फिर उस चीज़ को सीखेंगे। भी जैसे उनको बच्चों को टू की टेबल सिखानी हो तो हम क्या करते हैं, टू वन जा टू ऐसे टू इंटू टू, तो इसमें क्या है, ये तो उसकी मतलब डायरेक्ट याद करता है, जैसे टू फिर आता है फोर, ये तो क्या रोट लर्निंग हुई। यदि उसको ये पता लग गया भाई इसमें क्या है, टू इंटू टू मतलब मल्टीप्लाई करा तो ये फोर आता है, मीनिंग ये क्या आ रहा है, टेबल बन रही है इस तरह से, मतलब टू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1 2 3 नंबर्स की, तो ये हमारे पास आ रहे हैं। तो ये क्या है, वो समझ के यदि उस चीज़ को करता है, अर्थ जान कर करता है उनका, तो कौन सी हुई, अर्थपूर्ण अधिगम हुआ, मीनिंगफुल लर्निंग हुई, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी आशुबेल ने। फिर आता है रिसेप्टिव लर्निंग, अभिग्रहणात्मक लर्निंग, इसके अंदर क्या आता है, ग्रहण करना चीज़ को, मीनिंग इसके अंदर रोट और अंडरस्टैंडिंग या मीनिंगफुल लर्निंग दोनों तरीके से सीखता है। वो क्या करता है, रिसेप्टिव मीनिंग उस चीज़ को ग्रहण कर रहा है जो उसको सीखना है, तो उसके लिए वो कोई भी तरीका लगा सकता है, रोट को भी या अंडरस्टैंडिंग को भी, दोनों तरीके आते हैं अभिग्रहणात्मक के अंदर हमारे। अब आती है फोर्थ, डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग क्या होती है या अन्वेषण क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को खोज करना या खोज कर सीखना,
जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम क्या करेंगे, हम अपने तरीके से उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ का खोज कर रहे हैं, मतलब उसका हम क्या कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट या कुछ भी जिसके थ्रू हम खुद उस प्रॉब्लम को सोल्व करी है। तो ये क्या कि हमने उसकी खोज की, डिस्कवरी की। तो ये हमारी टाइप्स थी, वो कौन सी थी, डिस्कवरी लर्निंग। तो ये थी हमारी आज की थ्योरी, आसुबेल की थ्योरी। तो इसमें आसुबेल की थ्योरी को ही क्या कहते हैं, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी। मीनिंग जिसका क्या होता है, कुछ अर्थ निकलता हो, जिसमें क्या मीनिंगफुल लर्निंग कौन सी थी हमारी, सेकेंड टाइप लिया था। उसके अंदर हम चीज़ों को क्या है, अंडरस्टैंडिंग के द्वारा सीखते हैं। मीनिंग जो हमारे अंडरस्टैंडिंग शाब्दिक जो अधिगम होता है उसी को क्या कहते हैं, मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं। ये किस पे बेस्ड हमारी, किस तरीके से सीखते हैं, इसमें निगमनात्मक मीनिंग डिटेक्टिव मेथड से सीखा जाता है, तरीके से सीखा जाता है। आसुबेल ने इस थ्योरी के अंदर एक तो मीनिंगफुल को क्या है, महत्व दिया, और एक डिटेक्टिव मेथड को बेस्ट माना सीखने के लिए। फिर वही भी यदि आसुबेल के अकॉर्डिंग लर्निंग के कितने प्रकार है, चार प्रकार होते हैं, रटकर सीखना, अर्थपूर्ण अधिगम, अभिग्रहणात्मक और अन्वेषण। अन्वेषण मतलब खोज, ठीक है ना, मतलब खोज करके हम सीखते हैं। तो ये थे आज की हमारी थ्योरी, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत यहीं पे ख़त्म होती है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक्स अगेन।